गर्मी के आते ही बुंदेलखंड में पानी की भारी किल्लत हो जाती है, जिसको देखते हुए छतरपुर महाराजगंज के कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित द्वारा पानी के 5 टैंकरों का शुभारंभ किया गया है। विधायक निधि का सदुपयोग करते हुए छतरपुर जिले के महाराजगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित ने नौगांव में 6 टैंकर ग्राम पंचायत को आवंटित किए हैं। आपको बता दें कि बुंदेलखंड के कई क्षेत्रों में गर्मी के समय में पानी की भारी किल्लत हो जाती है। जल स्तर कम होने पर लोग पेयजल के लिए परेशान होने लगते हैं, जिसको देखते हुए कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित ने विधायक निधि के पैसों से करीब 5 टैंकर संचालित किए हैं। किए गए हैं और किस राशि से कितना वितरित किए गए हैं? जी, हमारे 6 पंचायतों में हमने 8 टैंकर दिए हैं, विधायक निधि से दिए हैं, क्योंकि गाँव में पानी की समस्या अधिकतर होती है। तो गर्मियों में हमने देखा है कि लोग दूर दूर से पानी लाते हैं, इसलिए पिछली बार हमने 27-28 टैंकर दिए थे, इस बार भी हमने 6-7 टैंकर दिए। और जहाँ जिस गांव में है पानी की समस्या समझ में आएगी, क्योंकि पूर्व सरकार ने माननीय कमलनाथ जी ने हमें 112 गांव की नल जल योजना स्वीकृत करा के दे दी है, और जब तक वो चालू नहीं होती है तो हर गांव में पानी की समस्या रहेगी। उस उद्देश्य को देखते हुए हमने टैंकर की व्यवस्था की। आज कितने पंचायतों, मतलब कौन कौन से पंचायत हैं जिनको टैंकर दिए गए? आज आपकी सिंदूर की बरदवाहा, मऊपुर और नुना, कुर्राहा, सिंगरावन कला, इन पंचायतों को हमने आज टैंकर दिए। छतरपुर से सुशील सिवारे की रिपोर्ट। Education with moral values, the only institution with all latest facilities, computer lab, science lab, experienced teachers, air conditioned hostel with all facilities, the best educational institute in the area, the Gramodaya International College, Jhansi Road, Mauranipur.